हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पीसीएम गुरुकुलर्निंग बच्चों के वीपी वाई में पिछले तीन सालों में क्या ट्रेंड रहा है पेपर का और उसके बाद अगर हम जानना चाहें तो ये देखेंगे कि आगे हम देखेंगे इसी के अंदर कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं फिर एनसीआर के अंदर कौन सी लाइन या कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट हैं तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड्स की कि के में बायोलॉजी सेक्शन में क्या ट्रेंड रहा है तो 2017 के अंदर ह्यूमन फिजोलॉजी में से जो टॉपिक्स पूछे गए थे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और विटामिन डेफिशिएंसीज इन पे क्वेश्चन रहा था 2017 का पेपर मैंने अभी अभी सॉल्व भी किया तो आप वहां पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन और विटामिन डिफिशियंसी में स्कर्वी वाला क्वेश्चन था 2018 में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक रीनल सिस्टम से एक डाइजेस्टिव सिस्टम से दो मसल प्रोटीन से एक बॉडी फ्लूड से एक और आई से एक यानी 2018 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी से 2019 में डाइजेस्टिव सिस्टम से दो बॉडी फ्लूड से दो रीनल सिस्टम से एक आई डिसऑर्डर से एक और ओ से एक क्वेश्चन आया था तो ये मैंने आपको बता दिया ट्रेंड ह्यूमन फिजोलॉजी का इवोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑरिजिन ऑफ साइक्लोस्टोम्स का क्वेश्चन था यानी कि ऑस्ट्रेकोडर्म टाइप जॉलेस जॉलिसियन पीरियड जनरल इवोल्यूशन का क्वेश्चन था एज एंड पीरियड्स पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कि एज और किस पीरियड में कौन सा पर्टिकुलर एनिमल आता है जिसमें आपने सिल्यूरियन वगैरह सब पीरियड्स पढ़े होंगे नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारी वेबसाइट जो हमने हमने चैनल पे अभी वीडियो डाली है वो आप चेक कर सकते हैं आपको बहुत ही आसानी से वो बात समझ में आ जाएगी उसमें कोई बहुत कन्फ्यूजन आई डोंट फील आपको होनी चाहिए ठीक है आगे देखते हैं 2018 में डाहाइब्रिड क्रॉस और ब्लड ग्रुपिंग इस वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस तो आप सब के का जानते ही हैं कि क्लास इलेवेंथ के प्लांट फिजोलॉजी एक्सेट्रा ह्यूमन फिजोलॉजी और ट्वेल्थ में से हेरिडिटी इवोल्यूशन और एनवामेंट पूछते हैं वो ठीक है और 2019 के अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन प्राइमेट एवोल्यूशन ब्लड ग्रुप क्रॉस जीनोटाइप न्यूमेरिकल एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे गए हैं साइटोलॉजी में से 2017 में कोइंसिडेंटली कोई क्वेश्चन नहीं था 18 में राइबोसोम और गोलगेपेटस पे था तो साइटोलॉजी हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डीएनए प्लस क्रोमोजोम का क्वेश्चन था 2017 में 2018 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे क्वेश्चन था दो में प्रोटीन कोडोन पैंटोथेनिक एसिड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फिर क्वेश्चन था यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एसिड्स ये दो तीन बार आ चुके हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं है ना उसके बाद आर एन डीएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कलर कोडिंग से हम सोचे करने के लिए तो आर एन डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट पेंटोथनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं फ्रेंड सेल साइकिल में माइटोसिस पे क्वेश्चन

लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन एनिमल्स पे क्वेश्चन रहा है ये सब सिलेबस है आपका जो चैप्टर के नाम है अवर एनवायरमेंट के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन 2017 में था अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है लाइट के क्वेश्चन था और साथ ही में इनऑर्गेनिक पे भी क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक एनर्जी सब्सटेंसेस पे ओजोन लेयर पे क्वेश्चन रहा है मोफोलॉजी प्लांट में टेंड्रिल की मॉडिफिकेशन 2018 में पूछी गई थी कि, कि किसकी मॉडिफिकेशन है ये प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन प्लांट और सेलुलर से दो क्वेश्चन आए थे जो हमने देखा था अभी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस वाटर में करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए चार दो में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जनर्ल फिजियोलॉजी वन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स

डाइवर्सिटी में बाइनरी फैशन पूछा गया है बैक्टीरिया के लिए लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम पे भी क्वेश्चन रहा है लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन एनिमल्स मॉर्फोलॉजी में प्लांट मॉर्फोलॉजी इकोलॉजिकल इन्वायमेंटल साइंसेज जेनेटिक्स में ब्लड ग्रुप कोडोन्स एंड क्लब ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन रहा है ब्लड ग्रुप पे फिर फिर क्वेश्चन रहा है यानी कि ब्लड ग्रुप भी एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन के फॉर्म के लिए तो छः सात रेड मार्क्ड काफी इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी की बात अगर हम कर रहे हैं तो वन है टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर भी रहा है तो ये पूरा ट्रेंड है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का किस किस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर के और किस टॉपिक से किस साल क्या क्वेश्चन आया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स हैव ए गुड डे टेक केयर ऑफ योर प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सपोर्टर्स डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो